हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन शर्मा और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का फोर्थ मेथड या फिर मैं बोलूँ तो लास्ट मेथड जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। देखो बेटे, कैपिटलाइजेशन मेथड यहाँ पे मैं बात करूँ तो दो तरीके से होता है। इसके अंदर दो मेथड हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट मेथड समझेंगे। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो बेटे, सबसे पहले आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू जब आप गुडविल फाइंड करेंगे तो यहाँ पे गुडविल के लिए फॉर्मूला लगेगा कि सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन जो आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी वो। अब बात करते हैं यहाँ पे हम सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट आपको वही पहले की तरह फाइंड करना होगा जिसका फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जिसमें से कि हम अगर बात करें तो जो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा कैसे निकलेगा, वो निकलेगा टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल का आपने वो प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट निकाला है। बात करें नॉर्मल प्रॉफिट की तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100 सिंपली आप निकाल लेंगे। आपने एवरेज प्रॉफिट फाइंड किया, नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड किया, उससे आप सुपर प्रॉफिट फाइंड करेंगे, सुपर प्रॉफिट से आप गुडविल का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे कैपिटलाइजेशन का गुडविल फाइंड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हम देखते हैं इसका जो सेकंड मेथड है अभी, ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो बेटे, यहाँ पे आपको गुडविल का जो फॉर्मूला अप्लाई करना होगा वो होगा एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, इसमें भी ध्यान से समझेंगे, जो आपको एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है उसका हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पे टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। इस तरीके से सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे, एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइजेशन वाले फॉर्मूले में रख देंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 में निकल जाएगी आपकी टोटल गुडविल। ठीक है बेटे।